हेलो गाइस एंड कैसे हैं आप लोग। मेरे पिछले कुछ वीडियोस से मुझे ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी कि जब मैं कैमरे से दूर जाता हूं तो ऑडियो काफी धीरे हो जाता है, एंड दैट हैपेंस बिकॉज मैं अपने फोन के कैमरे से ही ऑडियो एंड वीडियो दोनों रिकॉर्ड करता हूं। बट आज आई हैव गॉट दिस न्यू माइक्रोफोन एंड होपफुली अब मैं कहीं से भी बोलूं आप लोग को क्लियरली सुनाई देगा। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट क्रिएटिन। आज ही डिलीवर हुआ है ये फ्लिपकार्ट से एंड इसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्चुअली मैं भी पहली बार क्रिएटिन यूज करने वाला हूँ, सो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है क्रिएटिन से रिलेटेड एंड वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि मैं क्रिएटिन से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन आंसर कर पाऊँ। तो क्रिएटिन आखिर होता क्या है? क्रिएटिन एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। इट्स नॉट अ स्टेरॉइड एंड इसका सोल पर्पस होता है टू रिसाइकल आवर एटीपी रिजर्व्स। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल्स। इसका मतलब हमारे सेल्स एटीपी को एनर्जी की तरह यूज करते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज के दौरान सेट्स एंड रेप्स लगाते हैं तो आपके मसल्स एटीपी को यूज करते हैं टू डू द जॉब। अब आप नेचुरल फूड से भी क्रिएटिन ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मीट्स एंड फिश खाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गेट 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन आपको 1.5 किलोग्राम्स ऑफ चिकन खाना पड़ेगा, विच इज अ वेरी इलॉजिकल ऑप्शन क्योंकि क्रिएटिन एज अ सप्लीमेंट इज वेरी चीप। तो क्रिएटिन को सप्लीमेंट करना इज अ मच 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 बेटर ऑप्शन। तो क्रिएटिन क्या आपके लिए काम करेगा? क्रिएटिन वे प्रोटीन से बहुत डिफरेंट है। वे प्रोटीन सबके लिए काम करता है, इट्स जस्ट प्रोटीन। बट फॉर क्रिएटिन कुछ लोग रिस्पॉन्ड करते हैं आफ्टर सप्लीमेंटिंग एंड कुछ लोग नहीं करते। अब क्रिएटिन से वो लोग बेनिफिट नहीं ले पाते जिनका टाइप 2 मसल फाइबर्स बहुत कम होता है। अब घर पे बैठ के ये बताना तो पॉसिबल नहीं होगा कि आपके टाइप 2 मसल फाइबर्स कम है या नहीं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप क्रिएटिन 1-2 महीने सप्लीमेंट करके देखें एंड आपको खुद पता चल जाएगा कि क्रिएटिन आपके ऊपर काम कर रहा है या नहीं। एक और चीज मैं आप लोगों को रिमाइंड कर देना चाहता हूं, क्रिएटिन अपना असर तुरंत नहीं दिखाता, इट टेक्स सम टाइम। अगर आप लोडिंग भी कर रहे हैं, जो कि मैं वीडियो के आगे बताऊंगा कि लोडिंग क्या होता है अगर आपको नहीं पता, फिर भी इट विल टेक अ मंथ टू शो इट्स रिजल्ट। सो सिर्फ 5 दिन यूज करके ये मत सोचिएगा कि आपके टाइप 2 मसल फाइबर्स बहुत कम है एंड आपके ऊपर क्रिएटिन काम नहीं करेगा, गिव इट सम टाइम। तो अब बात करते हैं कि क्रिएटिन सप्लीमेंट करने से आखिर होगा क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एटीपी रिजर्व्स अप हो जाएंगे, जिससे होगा ये कि अगर आप किसी पार्टिकुलर वेट से 10 रेप्स लगा पा रहे थे तो अब आप 12 से 13 रेप्स लगा पाएंगे, विच इज अ लॉट फॉर अ नेचुरल लिफ्टर। सेकेंडली, क्रिएटिन की एक प्रॉपर्टी है वाटर रिटेंशन की। जब आप क्रिएटिन यूज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके जो मसल्स हैं वो थोड़े बिगर एंड राउंड लग रहे हैं, and that's because of the water retention property. And इसी property की वजह से आप लोगों ने यह सुना होगा कि creatine use करते वक्त sufficient amount of water पीना पड़ता है, and that's true. अगर आप throughout the day sufficient water नहीं पियेंगे तो आपको cramps आ सकते हैं, so please दिन भर sufficient पानी पीना start कर दीजिए। So let's answer some common questions now. Which creatine to buy? अब हर साल जो हमारी supplement industry है वो नए नए types के creatine launch करती है and they claim that उसका absorption पुराने क्रिएटिन से बहुत ज्यादा है, but I would recommend you to buy creatine monohydrate. अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि creatine monohydrate is the purest form of creatine and ये बहुत cheap है in comparison with so-called better absorption creatines. Question number 2, when to take creatine? देखिए, अब आप कभी भी ले creatine, सुबह शाम रात pre-workout post-workout, it doesn't matter. बट एक रिसर्च में ये निकल के आया है कि क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट लेने से नेग्लिजिबली एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टू टेक इट विद? अब मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल नॉर्मल पानी के साथ क्रिएटिन को लेते हैं, बट एक रिसर्च में ये निकल के आया है कि टेकिंग क्रिएटिन विद सम कार्ब्स एंड प्रोटीन इज अ मच बेटर ऑप्शन, उससे एब्जॉर्प्शन कई गुना ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू टेक इट? अब क्रिएटिन लेने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोडिंग, सेकेंडली
साइकिलिंग एंड थर्डली द नॉर्मल वे। अब लोडिंग में ये होता है कि आप जब स्टार्ट करते हैं क्रिएटिन लेना तो आप पहले वीक में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्रिएटिन यूज करते हैं 10 to 20 grams। इससे जो क्रिएटिन सैचुरेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। साइकिलिंग में आप क्रिएटिन को साइकिल करते हैं, दैट इज पहले वीक आप लोडिंग करते हैं, फिर 4 to 6 weeks आप 3 to 5 grams क्रिएटिन नॉर्मल वे में लेते हैं एंड उसके बाद आप 2 weeks ऑफ साइकिल चले जाते हैं, यानी कि क्रिएटिन लेना छोड़ देते हैं एंड फिर उसके बाद आप फिर से ये साइकिल स्टार्ट करते हैं। एंड इन नॉर्मल वे सिंपली आप 3 to 5 grams क्रिएटिन एवरी डे लेते हैं। आज तक कोई ऐसा रिसर्च नहीं आया है जिसने ये बोला हो कि लोडिंग और साइकिलिंग इज बेटर देन द नॉर्मल वे, तो मैं इसको एक पर्सनल प्रेफरेंस मानता हूं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, डज इट कॉज हेयर लॉस? अब क्रिएटिन इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड एंड आज तक कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं पाया गया है हेयर लॉस एंड क्रिएटिन का, बट एक स्टडी निकल के आई थी जिसने ये दिखाया था कि क्रिएटिन लेने से डीएचटी लेवल्स अप हो जाते हैं। डीएचटी एक हार्मोन है जो उन लोगों में पाया जाता है जिनकी फैमिलीज में मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है। तो अगर आप पहले से हेयर लॉस से जूझ रहे हैं एंड वो आपको मेंटली अफेक्ट करता है तो आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर यू टू टेक क्रिएटिन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैं बहुत न्यू हूँ इस यूट्यूब गेम में, तो अगर आपको कोई भी क्रिटिसिज्म हो तो आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। मैं फिटनेस एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड एक लाइक एंड कमेंट मेरे चैनल को बहुत हेल्प करेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।